कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाने के उद्देश्य से शासन के निर्देश पर 11 से 18 अप्रैल तक रात्रि 9 बजे से सुबह 6 बजे तक लगाए गए नाइट कर्फ्यू के मद्देनजर एसएसपी दिनेश कुमार पी ने कर्फ्यू के पहले दिन रविवार को सड़क पर उतरकर स्थिति का जायजा लिया। एसएसपी दिनेश कुमार पी ने बताया कि शासन के निर्देश पर रात्रि 9 बजे से सुबह 6 बजे रात्रि में जनपद के महानगर सहित सभी टाउन एरिया में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, जिसमें सभी पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारी, थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी अपने अपने सहयोगियों के साथ अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए आम जनमानस को जागरूक करते हुए नाइट कर्फ्यू का पालन करा रहे हैं, जिससे बढ़ते कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी दिनेश कुमार पी ने कहा, देखिए गोरखपुर में बढ़ती हुई कोरोना के संक्रमण को देखते हुए शासन और प्रशासन के निर्देश अनुसार रात की 9 बजे से लेकर सुबह की 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है, जिसमें सभी जनपद पूरा लागू किया गया है। जितने भी बड़े कस्बे हैं और सिर्फ गोरखपुर सिटी है, सब में नाइट कर्फ्यू लागू कराया गया है। थानाध्यक्ष, चौकी प्रभारी से लेकर सब लोग दौड़े इधर से लोगों से रिक्वेस्ट करके सारे दुकान बंद कराए गए हैं, लोगों को जागरूक किया गया है। अति आवश्यक है ये जो संक्रमण की कड़ी को तोड़ना, तो इसको चलते हुए सभी लोगों को ब्रीफ किया गया है। जो कुछ भी बाहर निकल रहे हैं उन्हें भी समझा के घर के अंदर कर रहे हैं, जो भी यात्रीगण जो भी हैं उन्हें भी समझा के जल्द से जल्दी उनके गंतव्य तक पहुँचने के लिए मदद भी करने को सभी थानाध्यक्षों को, सभी पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को निर्देशित दिया गया है। ये संक्रमण ये खड़ी टूटना बहुत आवश्यक है और ये इस आपातकालीन स्थिति में हम सबको मिलकर इसके खिलाफ कार्रवाई करना, इसके खिलाफ लड़ना अनिवार्य और आवश्यक है। देखिए ऑलमोस्ट 95% कंप्लेंट्स है, 5% की कुछ लोगों को जानकारी नहीं है, कुछ लोग अपने मेडिकल इमरजेंसी में जा रहे हैं, कुछ लोगों को जो अन्य किसी ज़रूरी काम से निकल गए हैं उनको हम लोग मौके पर समझा रहे हैं। जो कुछ भी जो कोई भी मतलब खुराफाती तथ्य हो उनको फिर उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं।